इस घर की खुशियां आपके साथ ही चली गई। कैसी बदकिस्मती है इस परिवार की, जो सब लोग एक छत के नीचे तो रहते हैं लेकिन साथ रहने का सुख नहीं। दादी आज ना। नहीं वेदांत, अभी नहीं। हाँ अभी, शाम के प्रोग्राम के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है वरना फिर लेट हो जाए। नहीं वेदांत तू जा यहाँ से। अरे दादी सुनो ना। वेदांत मैं। दादी आपको पता आज खाना कहाँ से आने वाला है? ओम साईं की रसोई से। आपका फेवरेट है ना दादी? दादी सब लोग अपनी फेवरेट चीजें खाएंगे और साथ मिलकर खाएंगे। कुछ साथ मिलकर नहीं खाएंगे, ये परिवार कभी एक नहीं होगा क्योंकि एक होना ही नहीं चाहता। इस घर में खुशियाँ कभी वापस नहीं आएंगी। अरे खुशियों को कहाँ से लाना है दादी, वो तो हमारे अंदर दुबक के बैठी हुई हैं। हंस के बुलाएंगी ना तो बस अभी बाहर आ जाएंगी। चलिए एक काम करते हैं, ऐसा करिए हो। अरे कीजिए ना दादी प्लीज। हो अच्छा था पर अभी और अच्छा करेंगे। ठीक है दादी अभी हम करेंगे। हाँ। वाह दादी वाह। अभी हम ट्राई करेंगे ही। वेदांत तू मेरा राजा बेटा है, हार मानने वालों में से नहीं है। अब बता क्या करने वाला है? पहले डांस करेंगे, फिर मंदिर जाएंगे, फिर पूजा करेंगे। लेकिन पूर्वा, उसके मूड का क्या करने वाला है? अरे दादी थोड़ी नाराज है और ठीक हो जाएगी। अपनी बुआ को तो गलत करने से ये रोक नहीं सकते, लेकिन मुझसे अच्छे होने की पूरी उम्मीद करते हैं। अरे वो बड़ी है मुझसे, फिर भी मेरे साथ गेम्स खेलती रहती है और मैं इस बात का एहसास भी ना दिलाऊं उन्हें। पता नहीं कहाँ के फंस गई। प्रदीप, डॉक्टर वेदांत भी तो गलत नहीं है ना। अगर आप उस सिचुएशन को थोड़ा शांति से हैंडल कर। पंखू तू मेरी बहन है या वेदांत की? आपकी। और वेदांत की तो हो ही नहीं सकती। व्रत रखा मैंने, निर्जल व्रत मैंने, और फिर व्रत में खड़े होकर खीर भी बनाई। मेरी जान जा रही थी वहाँ, लेकिन मजाल है कि किसी को भी जरा सी कदर हो। मजाक है क्या? तू जा, मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेके आ जा। दी पर मैंने कहा जा मतलब जा। लाती हूँ, पर मैं अपना व्रत पूरा करूँगी। तुझे जो करना है तू कर, मैं नहीं मानती ये सब में। ओके। गला और पेट तो पहले से ही दुख रहा था, अब वेदांत ने सर भी दुखा दिया मेरा। अब तो मैं बहुत सारा खाऊंगी। इंटरनेशनल नंबर से मैसेज। आई एम रियली सॉरी पूर्वा, प्लीज सिर्फ एक बार मुझसे मिल। राहुल मुझे तो जिंदगी भर यही लगा था कि आप ही ठीक ठाक पति हैं, पर उधर नजर डालिए। उधर देखो। आप भी बदल गई। हाँ वो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे तो रमेश भैया ने समझाया कि घर में खुशी का माहौल है तो सबको मिलकर त्योहार मनाना चाहिए। गोमती बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो कपड़े बदल लिए। अम्मा अब तो आपने हमें माफ कर दिया ना, उस दिन हम अपने आपे से बाहर हो गए थे, माफ कर दीजिए। वेदांत, ये तुम्हारे लिए। माँ, इससे अच्छा तोहफा मुझे आज तक नहीं मिला है। अरे पहले खोल के देखो तो सही, इसमें क्या है? मेरी माँ पहली बार खुद कुछ मेरे लिए लेकर आ रही है, उससे ज्यादा कीमती मेरे लिए क्या होगा? आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया। वो देखो, इन खुशियों से बढ़कर कोई कीमती तोहफा हो सकता है क्या मेरे लिए? भैया सुनो ना, मम्मी कह रही है कि आज के दिन हमें भजन कीर्तन करना चाहिए। कि भगवान का देना तो नाचना गाना गलत है। चाची, शादी वाले दिन नाच गाना तो होता ही है ना। हाँ। तो बस फिर आज भी तो शादी है ना। है? भगवान शंकर और माँ पार्वती की, तो आज भी नाच गाना बनता है ना। भाई ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन कोई बताएगा कि इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है? पापा ध्यान से सुनो, तो सारे कपल्स हो जाओ रेडी, क्योंकि सबसे पहले होगी डांस की। सब लोग अपने डांस के लिए रेडी हो जाओ। और हम दोनों? अरे आप दोनों तो हमारे शो के जज होंगे। वेदांत, तुम्हारी कोशिश काम कर रही है, सब एक साथ है, सब खुश है। अभी नहीं। सॉरी, गरम करने में ना थोड़ा सा टाइम लग गया। दीप, क्या हुआ? ये देख। राहुल इंटरनेशनल नंबर से, इसका मतलब वो सिर्फ आपको ही नहीं, इंडिया भी छोड़ के चला गया। शायद उसका पुराना नंबर तो शादी के दिन से बनता। अब अरे तो पता करो दी, उनसे मिलकर आओ, आपको हक है पूरी सच्चाई जानने का। सच तो ये है कि मैं उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसको जो करना था उसने कर लिया। अब मेरी शादी हो चुकी है। पर दी, आप वेदांत से प्यार नहीं करती। और क्या सच में आपको नहीं जानना कि उसने ऐसा किया तो क्यों किया? वो मजबूरी में गया था या अब गिल्ट में वापस आया है? जानना चाहती हूँ पंखु, पर पता नहीं फिर से राहुल से मिलना। पूर्वा, तुम्हें डांस करना आता है क्या? बोलो ना। डांस मुझे नहीं करना है। डांस मतलब आता है पर करना नहीं। मुझे लेक्चर देना आपको बहुत पसंद है ना, कभी एथिक्स पे, कभी जिम्मेदारी पे, अब डांस पे। अरे गुस्सा जाने दो प्लीज। तो पता है गोमती बुआ ने भी अपने कपड़े बदल लिए, वो नीचे सबके साथ है। इसमें भी उनकी कोई चाल होगी वेदांत। शायद। पर पूर्वा, इस महाशिवरात्रि में चाहता हूँ कि सबको दूसरा मौका मिले। गोमती बुआ कभी नहीं बदलेगी वेदांत, तो फिर दूसरा मौका देने। गोमती बुआ को नहीं, मुझे। देखो पूर्वा, मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालना चाहता हूं, तो जो भी फैसला लो, मर्जी तुम्हारी है कि तुम्हें दूसरा मौका मुझे देना है या राहुल को। दरवाजे पे था जब तुम लोग बात कर रहे थे। दी, आप क्या सोच रही हैं? आपने सुना ना वेदांत ने क्या कहा कि आपकी मर्जी है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप तो उनसे प्यार भी नहीं करती, तो क्या आप अपने पहले प्यार को यूं ही जाने दोगे? हो सकता है राहुल की कोई मजबूरी हो। आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मुझे अपनी बात कहने का सिर्फ एक मौका दे दो प्लीज। दी आप एक बार तो उसकी बात सुनोगी ना? अरे वाह, गोमती कितनी अच्छी डेकोरेशन है। संजू बहुत सुंदर लग रहा है ना? हाँ बहुत सुंदर है। संजू पंखू वेदांत, जैसा तूने कहा था ना ठीक वैसे ही होने जा रहा है। अम्मा ये इतनी सारी वरमालाएं किसके लिए मंगवाई है? अरे आज रात पूजा के बाद घर के सारे जोड़े मंदिर जाएंगे और एक दूसरे को वरमालाएं पहनाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर ऐसा करते हैं पति पत्नी 7 जन्म के लिए साथ हो जाते हैं। भगवान करे यही मेरा 7वां जन्म हो। वेदांत बेटा अब भी वो नाराज है। बेटा पूर्वा का गुस्सा 12 बजे तक ठंडा हो जाना चाहिए, शुभ मुहूर्त वही तक है। आपने कह दिया ना, बस हो जाएगा। गुड। गुस्सा शांत हो जाएगा ना पंखुड़ी? राहुल दी का पहला प्यार है और किसी भी लड़की के लिए अपने पहले प्यार को भुलाना आसान नहीं होता। मतलब प्यार में दूसरा मौका नहीं मिलता। नहीं वेदांत, प्यार में दूसरा मौका है। अब मुझे नीचे जाना चाहिए। आज का दिन दादी और वेदांत दोनों के लिए बहुत बड़ा है। बस एक मौका पूर्वा, उसके बाद पता नहीं दूसरा मौका मांगने के लिए जिंदा भी रहूंगा या नहीं। और अब मैं क्या करूं? संजीवनी सदन में आज का दिन 3 रीजन से खास है। पहला रीजन, हमारा पूरा त्रिपाठी परिवार एक साथ इतनी सारी खुशियां मना रहा है। सेकंड रीजन, पूर्वा भाभी का इस घर में ये पहला त्योहार है। एंड थर्ड रीजन, ऑब्वियसली त्योहार है महाशिवरात्रि। सो हम शुरू करते हैं मिस्टर एंड मिसेस त्रिपाठी से। 3-3 है, पहले कौन? ओ हाँ सॉरी। तो शुरू करते हैं ताई जी एंड ताऊ जी से। मंजुला, रमेश। रजबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौकियां ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। वाह ताऊ जी ताई जी, इतना टैलेंट कहाँ छुपा रखा था। तो अब इन्हें टक्कर देने आ रहे हैं मम्मी एंड पापा। यंग जनरेशन की तो पेश करते हैं संजू एंड पंखुड़ी। कहते हैं परफेक्शन। अब शुरू करते हैं हमारी आज की लास्ट परफॉर्मेंस, जिसके बाद हम मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे एंड खाने पे टूट पड़ेंगे। तो बुलाते हैं उन्हें जिनके लिए आज का ये त्योहार बहुत स्पेशल है, हमारे न्यूली वेड्स वेदांत भैया एंड पूर्वा भाभी। पूर्वा की तबीयत थोड़ी खराब है, व्रत रखने की आदत नहीं है ना, इस वजह से रेस्ट कर रही है। वेदांत, कम से कम आप तो डांस कीजिए। चलिए मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। हाँ भाई वेदांत, तुम्हारा एक डांस तो बनता है भाई। इसकी कोई जरूरत नहीं। क्योंकि पत्नी अपने पति का साथ देने आ गई।